सीधी जिले कहीं ना कहीं हादसों का शहर माना जाने लगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सड़क हादसे होते हैं लोगों की जान चली जाती है। फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि लगातार जिला कलेक्टर साकेत मालवीय के द्वारा कलेक्टर सभागार में मीटिंग रखी गई कि आखिर भी इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, जहां दुर्घटना लगातार ओवर स्पीड या कहूं कि किसी न किसी लापरवाही की वजह से यह घटना देखी जाती है। कभी यह भी होता है कि शराब के नशे में सामने वाला वाहन चलाता है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ऐसा ही मामला आज फिर से चलकर सामने आया है, जहां मैं आपको बता दूं कि सिहावल तहसीलदार घायल पटवारी तथा हाथ टूटा, जिसे कि मैं आपको बता दूं कि चारों टायर गाड़ियों के ऊपर हो गए। एक तरफ तो लगातार देखा जाता है कि जिस तरीके से जिला कलेक्टर यानी कि सीधी के जो डीएम है उनके द्वारा मीटिंग की जाती है, लेकिन उन्हीं के राजस्व अमला के साथ भी यह हादसा हुआ, जहां बताया जा रहा है कि सीधी जिले के सिहावल में पदस्थ तहसीलदार दीपेंद्र सिंह तिवारी का कार एक्सीडेंट हुआ है, जहां की आज शनिवार को उनके साथ यह दुर्घटना हुई। सीधी से सिहावल तहसील मुख्यालय आ रहे, जहां रेही नदी के पास उनकी बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे उतरकर पलट गई। इसकी वजह से बोलेरो वाहन के चारों पहिए ऊपर हो गए। इस हादसे में पटवारी अतुल उपाध्याय का हाथ टूट गया है, तहसीलदार को भी काफी अंदरूनी चोटें आई हैं, साथ में ही डॉक्टर का कहना यह है कि उनके हड्डियों में भी क्रैक है, यहां तक कि उनकी पत्नी तथा ड्राइवर रोहित द्विवेदी को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी मिलते ही कमरजी पुलिस जो है घटना स्थल पर पहुंची और जानकारी लेने में जुट गई, जहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तरफ रोकथाम लगातार बनाए जा रहे हैं कि आखिर में इस तरीके की दुर्घटना और घटनाएं ना घटे, लेकिन वही लगातार देखा जा रहा है कि आखिर में अमला ही शिकार हो जाता है जो खुद के राजस्व अमला है। कहीं ना कहीं ओवर स्पीड भी माना जा रहा और या फिर टर्निंग पर लापरवाही बताई जा रही। लगातार जुड़े रहे तंग 24 न्यूज के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।